बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 12 का बी पार्ट। इसको करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने 13 का सी पार्ट लाजमी देखना है, ठीक है। उसमें मैंने एक बहुत ही प्यारी अच्छी सी बात आप लोगों को बतानी है 13 का सी पार्ट। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल के न्यू मेम्बर हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ हम फाइंड करने लगे हैं कि क्वाड्रेटिक टेंट, जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में करते हैं क्वाड्रेटिक टेंट फाइंड करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हमने यहाँ भी क्वाड्रेटिक टेंट फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक ट्रेंड कह दे या पैराबोलिक कर्व कह दे, पैराबोलिक ट्रेंड कह दे, तो एक ही बात। सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप अच्छी तरह समझने के बाद, उसने कहा आप ये अपने नीचे वाले ईयर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रेंड फाइंड करना है। सबसे पहले सी फाइंड करेंगे, सी वैल्यू। इसका फार्मूला बी से कन्वर्ट मैंने सी में किया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्योर। अब मैं आपको कन्वर्ट करके फिर से एक बार बता देता हूँ, सिग्मा एक्स होल स्क्योर। जिस तरह बी का फार्मूला था, ये सारा मैंने बी का फार्मूला लिखा है। वो कहाँ था बी का फार्मूला? हमने जब लीनियर ट्रेंड लीस्ट स्केयर रिग्रेशन लाइन फाइंड की थी, लीस्ट स्केयर लाइन फाइंड की थी, ट्रेंड फाइंड किया था, तो हमारे पास बी का फार्मूला ये वाला था, ठीक है। अब उसमें चेंजिंग एक मॉडिफिकेशन क्या हुई है, जहाँ एक्स एक्स का अपने स्केयर ले लेना, सिर्फ एक्स का, एक्स सिग्मा एक्स का नहीं, मैंने कहा सिर्फ एक्स का। यहाँ एक्स का स्केयर लूँगा, यहाँ भी एक्स का स्केयर लूँगा, यहाँ एक्स का स्केयर है तो फिर से लूँगा, ये एक्स का स्केयर 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 था, अब 4 हो गया, डबल हो गया। फिर एक्स का स्केयर लूँगा सिर्फ और सिर्फ एक्स का। ये देखें कितनी प्यारी अच्छी तरह से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही सिंपलेशन फॉर्म है ये। एन हमारे पास कितना है, ये उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है जी, ये एन हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1985 to 1995, ये 11 बनेंगे, ठीक है। आपने अपनी फिंगर पर कैलकुलेट कर लेना है कि 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 and 95, तो कितने हो गए 11, एन हो गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स स्क्योर वाई 4587 माइनस सिग्मा एक्स स्क्योर, ये हमारे पास 110 इंटू सिग्मा वाई जो हमारे पास 410 है डिवाइड बाय 11 सिग्मा एक्स पावर 4, ये है हमारे पास 1958 माइनस सिग्मा एक्स स्क्योर, ये था 110 इसका स्क्वायर। अब आ जाएं कैलकुलेटर पर, 11 मल्टीप्लाई बाय 4587 माइनस 1110 मल्टीप्लाई बाय 410, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू है। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रही हैं। फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 1958 माइनस 110 स्क्योर, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर प्रेस एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है 0.57। उम्मीद है आप लोगों के पास भी 0.57 आ रही होगी सीधी वैल्यू 2 डिजिट तक फिक्स करने से। आपने 2 डिजिट तक किस तरह फिक्स करना है, 12.2 एक्सरसाइज का 3rd का ए पार्ट देखकर, या आप 8 का ए पार्ट भी देख सकते हैं, दिस एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर ए, सी के बाद आपने फाइंड करना होता है ए। ए किस तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल जिस तरह मैं आपको पहले बताता हूँ ए का फार्मूला क्या होता था, सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा, सॉरी बी था, अब यहाँ सी पहले यूज़ होगा, सी सिग्मा एक्स था डिवाइड बाई एन। वही पीछे वाली बात में कि एक्स का सिर्फ स्केयर चाहिए हमें, एक्स का स्केयर ले, ठीक है। इतनी सी चेंज हुई है इस फार्मूला में, सिग्मा वाई हमारे पास है यहाँ पर 410 माइनस सी की वैल्यू होगी 0.57 इंटू सिग्मा एक्स स्क्योर जो कि 110 है डिवाइड बाई एन, एन है 11,
अब यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी, 410 माइनस 0.57 मल्टीप्लाई बाय 110, प्रेस एंटर, ये वाली वैल्यू आएगी, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, 11 प्रेस करेंगे, ये आ रही है 31.57। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी वैल्यू 31.57। एक अब यहाँ हमने फाइंड करना बी, ये होगा हमारे पास सिग्मा एक्स बाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्योर। सिग्मा एक्स बाई आप देखें अब कितना है आपके पास, ये आ रहा है हमारे पास 601 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्योर। सिग्मा एक्स स्क्योर था 110, जी बिल्कुल 110 है, कैलकुलेटर उठाएंगे 601 डिवाइड बाई 110, प्लस एंटर, ये वैल्यू आ रही 5.46। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 46। अब हम कहेंगे ट्रेंड लाइन द क्वाड्रेटिक ट्रेंड लाइन या पैराबोलिक ट्रेंड लाइन इज, वो ये वाला है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए हमारे पास है 31.57 प्लस 5.46 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सी हमारे पास कितना है, सी है 0.57 एक्स स्क्वायर, ये वाली आ गई हमारे पास ट्रेंड लाइन। उसने कहा है ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है, पहले तो ईयर्स को हम अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर और ट्रेंड की वैल्यू यहाँ पर, ये से लिख लेता हूँ 1985 से कहा है उसने कि दोनों ही बोथ इनक्लूसिव 85 टू 86, 87, 88, 89, आपने 1986, 1987 पूरे लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ इतने लिख रहा हूँ 94, 95। अब इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर x की वैल्यूज़, x हमारे पास कहाँ जहाँ मर्जी हम रख सकते हैं, ठीक है। आप बिगनिंग पर भी रख सकते हैं, बिगनिंग पर नहीं, सॉरी, हाँ हम देखें सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है, ज़ीरो। सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना होगा, ये भी ज़ीरो। सिग्मा एक्स की पावर 5 कितनी होगी, वो भी ज़ीरो। ये कब ज़ीरो आती है, जब हम मिड में रखते हैं ओरिजिन। अब देखें ये टोटल 11 है, इनका मिड देखें कहाँ बनता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर छोड़ दें, यहाँ नीचे से 5 काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें इसके मतलब बिटवीन रहेगा हमारे पास 90। एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1990। अब 85, ये देखें 1990 से पर ज़ीरो आ जाएगी आपके पास, नीचे को प्लस वाली वैल्यूज, ऊपर को माइनस वाली, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ये एक शॉर्टकट मेथड है क्योंकि यहाँ आपके पास तरतीब से वैल्यूज हैं। अब यहाँ हमने फाइंड करनी ट्रेंड लाइन 31.57 प्लस 5.46 प्लस 0.57 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगे कैलकुलेटर पर, ये वैल्यू पुट करते जाएंगे 31.57 प्लस 5.46 प्लस 0.57 एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी देखें, यहाँ हमने एक्स डालना था, एक्स की वैल्यू पहले कौन सी मल्टीप्लाई, -5 प्लस 0.57 मल्टीप्लाई बाई -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर। प्रेस एंटर करता हूँ, ये पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 9. ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये माइनस की क्यों आई, इसकी वजह ये है, ये देखें बच्चों यहाँ हमने जब माइनस डाला तो इसने क्या किया, कैलकुलेटर ने 5 का स्केल लिया, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, 5 का स्केल आ जाना था 25, उसे -5 से मल्टीप्लाई करके फिर उसने इसे मल्टीप्लाई करना था, हमें ये स्केल ये माइनस जो है रिमूव करनी पड़ेगी, स्केल लेंगे फिर भी रिमूव होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट डाल के -5 लिख के आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये 5, ये एक्स है हमारा इसका स्क्वायर, प्रेस एंटर करता हूँ, ये देखें 18.52 आ रहा है।
सॉरी 18.52 पहली वैल्यू। अब इसी तरह हमने x को यहाँ हमने कर्सर लेना है, कर्सर को इधर वाला कर्सर आपने एरो प्रेस करना है तो आपके पास कर्सर आ जाएगा। कर्सर को ले आना बीच, यहाँ पर 5 की जगह 4 कर देना। फिर कर्सर को ले आना नेक्स्ट, यहाँ पर भी 5 की जगह 4 कर देना। 4 प्रेस करेंगे, ये आ रहा 18.85। और इसी तरह हम 3 यहाँ पर भी ले आएंगे 3 तक। ये आपके पास सारी वैल्यूज बिल्कुल इसी तरह आ जाएंगी। मैं लास्ट पे दो वैल्यूज यहाँ से भी फाइंड कर देता हूँ ताकि आपको गारंटी हो जाए कि सारा हमारा ठीक है। 5 स्क्वायर ठीक है, ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 5 मैन प्रेस है 73.12। उम्मीद आप लोगों के पास भी यही आ रहा हो 73.12। अब आपने यहाँ नेक्स्ट सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल इसी तरह आ जाएंगी। और उसने एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1996 पर रखते हुए आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 95 तक हमारे पास 5 आया, 96 तक नेक्स्ट आ जाना था 6 पुट करके यहाँ मैं एंड वाली वैल्यूज एक कोई फाइंड करके बता देता हूँ। 5 जगह मैंने 6 पुट किया। अब नेक्स्ट कर्सर ले आता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी 6 पुट कर देता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रही 84.85। When x is equal to 6। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपने सारी ट्रेंड वैल्यूज निकाले नहीं। अगर अच्छी लगे तो आपने अच्छा सा कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर हमारी सारी वैल्यूज निकल आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। 13.C लाजमी देखना है। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।